अगली प्रॉब्लम है जेई मेन 2019 जनवरी अटेम्प्ट डे 4 शिफ्ट 1। क्वेश्चन कह रहा है लेट एस के इज 1+2+3 से के तक डिवाइड बाई के। इफ एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर से लेके एस टेन स्क्वायर की जो वैल्यू वो 5/12 ए है तो बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो एस के निकाल लेते हैं। एस के कितना है 1+2+3+ से लेके के अपॉन के, ठीक है, और इसका जो सम होता है वो होता है के के प्लस 1/2, तो रिजल्ट आ गया के प्लस 1, इसका सम ये होता है बाई के है तो ये हो गया इतना। अब हमसे बोला गया है कि एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर से लेके एस 10 का जो स्क्वायर है वो 5/12 ए है। इसका मतलब एक तरह से लिखा हुआ है सिग्मा एस के स्क्वायर के 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आ जाएगा के स्क्वायर 2k+1/4, ठीक है, के 1 से लेके 10 तक, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो ये 1/4 बाहर कर लीजिए और अंदर क्या आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा 2 times of k और सिग्मा 1, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन कहां तक है 10 तक है, ठीक, तो रिजल्ट क्या जाएगा, तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा के स्क्वायर का 10, 11 और 21/6। अगले का आंसर क्या आएगा 10, 11/2 और अगले वाले का आंसर क्या आएगा 10। 1 को अगर 10 टाइम ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया वो था आया 110, 120 और इसका आया ये आ गया आपका 7, ये हो गया 5, ठीक है, तो आंसर आ गया 1/4, 35, ठीक है, into 11+120, ये बन गया 1/4 और यहां पर आपका आ गया 5 भी बाहर कर लो 77 और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 24, तो कुल मिला के आ गया 5/4 ये हो गया 1 और यहां पर हो गया 101 जो कि दे रखा है हमें 5/12 ए। इससे कंपेयर कर लें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई 5/4, 101 × 12/5, तो 5 से 5 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 303। तो कौन सा पार्ट हुआ 303, मतलब फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।